तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक के सुर कानपुर से बात कर रहा हूँ। जैसा दोस्तों जो मैं आज मैं जो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर गया हूँ, आज हमारा जो वीडियो होने वाला है ये हम लोग बेसिक के ऊपर वीडियो लेकर गए हैं। अच्छा, ये जितने भी वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ ये कम से कम 10 से 12-15 वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, जिस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये समझ सकते हैं कि मोबाइल फोन को चेक कैसे किया जाता है। क्योंकि हमारे पास जितने भी सारे लोग हैं, जो लोग ऐसे हैं जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग कर रहे हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप चला रहे हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि मदरबोर्ड को चेक करने में। क्या प्रॉब्लम आती है दोस्त? मदरबोर्ड को चेक करने में, कि इस मदरबोर्ड को चेक कैसे किया जाएगा, आज मैं आपको बताऊं। आज ऐसे बहुत हालात में मैं बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास सीखने के लिए आते हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने दुकान पर बैठ करके आज अपना मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, तो वो लोग मोबाइल फोन में कॉम्बो डाल देते हैं, मोबाइल फोन में यूआई चेंज कर देते हैं, मोबाइल फोन में बैटरी चेंज कर देते हैं, हड्डी चेंज कर देते हैं, लेकिन मल्टीमीटर के नाम पर सिर्फ वो सिर्फ एक ही काम जानते हैं कि सिर्फ स्पीकर को चेक करना। क्योंकि अब एंड्रॉयड मोबाइल फोन में 4 पिन का माइक आ गया, उस माइक को चेक नहीं किया जा सकता, सिर्फ स्पीकर रिंगर को चेक करते हैं और मात्र वो बैटरी को चेक करते हैं। ये जो मल्टीमीटर होता है ये सिर्फ मल्टीमीटर उनका ओरिजिनल सिर्फ स्पीकर रिंगर चेक करने के लिए और बैटरी यूज को चेक करने के लिए उसके लिए उपयोग किया जाता है। बाकी वो मोबाइल फोन को रिपेयरिंग के नाम पर वो मोबाइल फोन रिपेयरिंग में कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, ये सारी बात जो है आज हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमको फोन किया था, जो बिहार से रहने वाले हैं, दीपक जी हैं, उन्होंने हमको फोन करके बताया कि सर मैं 3-4 साल से मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ, मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन से जुड़ा हूँ, लेकिन सिर्फ मल्टीमीटर जब मैं लेकर गया तो मल्टीमीटर से सिर्फ हम बैटरी को चेक करते हैं, स्पीकर रिंगर को चेक कर लेते हैं, बाकी पूरे मोबाइल फोन में से मदरबोर्ड को हम कुछ नहीं चेक कर पाते। तो कृपया करके हमको बेसिक के ऊपर वीडियो बना करके दीजिए, ताकि उस बेसिक की वीडियो के माध्यम से हम ये सीख सकें कि हम लोग मोबाइल फोन को चेक कैसे करेंगे। अगर ये वीडियो के माध्यम से अगर आपको पसंद आता है, आपको सीखने में अच्छा लगता है, तो आप हमारी और भी वीडियो को देख सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों से संबंधित अगर आप पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये मोबाइल फोन के ऊपर बेसिक के ऊपर टॉपिक है। मोबाइल फोन को बेसिक तौर तरीके से कैसे चेक किया जाता है। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन ओप्पो का है, वीवो का है, नोकिया का है, सैमसंग का है, आईफोन है, किसी भी तरह का कोई भी मोबाइल फोन हो, सभी मोबाइल फोन के अंदर दोस्त ये हमारी प्लेट लगी होती है। अगर रिपेयरिंग के तौर पर देखा जाए तो सिर्फ इस मदरबोर्ड को ही रिपेयर किया जाता है और हमारे मोबाइल फोन में कोई रिपेयरिंग की चीजें नहीं होती। आज मैं आपको मोबाइल फोन के बारे में पूरा खुल करके आपको समझाने वाला हूं, ताकि आप सारी चीजों को समझ सकें कि मोबाइल फोन में से जो रिपेयरिंग होती है वो किस चीज की रिपेयरिंग होती है, या मोबाइल फोन को हम कौन सी ऐसी चीज होती है जिस चीज को हम लोग रिपेयर करने वाले हैं और जिस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। जितने भी सारे लोग हैं, आज मैं आपको मोबाइल फोन के बेसिक चेकिंग के ऊपर जो मैं टॉपिक पे वीडियो लेकर गया हूँ, ये कम से कम हमारा जो टॉपिक का वीडियो चलेगा ये कम से कम 15 से 20 वीडियो है। इस 15 से 20 वीडियो के अंदर हम लोग आपको ये बताएंगे कि मोबाइल फोन को बेसिकली तौर पर कैसे चेक किया जाएगा। ये सारी वीडियो वन बाई करके स्टेप बाई स्टेप सीरीज वीडियो होंगी। इस सीरीज वीडियो के माध्यम से आप लोग ये सीख सकते हैं कि मोबाइल फोन को बेसिकली कैसे चेक किया जाएगा। अच्छा, ये जो टेस्टिंग होती है ये सारी हार्डवेयर टेस्टिंग है। कैसी टेस्टिंग है दोस्त? हार्डवेयर टेस्टिंग है, मतलब आप हार्डवेयर तौर तरीके से आप मोबाइल फोन को कैसे चेक करेंगे या मोबाइल फोन को चेक करने का तरीका क्या होता है या मोबाइल फोन की टेस्टिंग कैसे करी जाती है। अब सबसे पहली बात क्या है, हम ये बात करते हैं कि ये बेसिक है क्या चीज। बेसिक का मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन के अंदर मदरबोर्ड के अंदर जितने भी सारे पार्ट्स लगे होते हैं, जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो हमारे मोबाइल फोन को चलाते हैं या मोबाइल फोन में वर्किंग करते हैं, उनके खराब होने से ही हमारे मोबाइल फोन में फॉल्ट जनरेट होते हैं। अगर आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही, आपके मोबाइल फोन में स्पीकर नहीं काम कर रहा, आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले नहीं आ रही है, टच काम करना बंद कर दिया, अगर ये सब चीजें काम करना बंद कर देती हैं, तो ये सारी चीजें कोई ऑटोमेटिक थोड़ी ना फॉल्ट जनरेट होता है। इसके लिए हमारे मोबाइल फोन में उससे संबंधित जो चीजें जुड़ी होती हैं वो खराब हो जाती है, जिसके कारण से आपके मोबाइल फोन में से प्रॉब्लम आ जाती है और आप उसे ठीक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल सी बात मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ पंखा चलना बंद हो गया। अब पंखा चलना बंद होने का मतलब क्या है कि पंखा बंद हो गया, ये तो सिर्फ हम लोग सोचते हैं, ये कस्टमर सोचता है कि हमारे फोन में टच काम करना बंद कर दिया या पंखा काम करना बंद कर दिया, ये कौन सोचता है? कस्टमर सोचता है। लेकिन जो रिपेयर करने वाला आता है वो क्या सोचता है? हो सकता है लाइट ना आ रही हो सकता है बटन खराब हो गया, हो सकता है पंखा खराब हो गया, हो सकता है बीच की डोरी खराब हो गई, उसके दिमाग में ये सारे आइडिया आ जाते हैं। उसी तरीके से आपके मोबाइल फोन में जब डिस्प्ले नहीं आते, तो डिस्प्ले ना आने का मतलब डिस्प्ले खराब हो गया है, उसका जैक खराब हो गया, उसके अंदर की सप्लाई खराब हो गई, उसकी सिग्नल पिन की लाइन खराब हो गई है, उसमें वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, जिस कारण से हमारे मोबाइल फोन में डिस्प्ले दिखाई देना बंद हो गया। जब इन सब चीजों को बातों को अपने दिमाग में मद्देनजर रख करके जब हम लोग चेक करते हैं, तभी हम लोग मोबाइल फोन को अच्छी तरीके से
चेक कर पाते हैं और मोबाइल फोन को रिपेयर कर पाते हैं। तो दोस्त आज मैं जो वीडियो में लेकर के आया हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग काफी सीख सकते हैं और ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जो नए लोग हैं, जो फ्रेशर लोग हैं, जो मोबाइल फोन में मल्टीमीटर में से सिर्फ स्पीकर, रिंगर, माइक और बैटरी चेक करने के अलावा कुछ नहीं आता, अगर ये हमारी 15-20 वीडियो देख लेते हैं तो उस वीडियो में से आप अच्छा मास्टर हो जाएंगे और काफी हद तक चेक कर पाएंगे। और अगर उससे संबंधित और भी ट्रेनिंग लेना है तो फिर दोस्त आप आकर के सीख सकते हो या हमारी इस वीडियो को अपने डेमो वीडियो भी समझ सकते हो कि आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर सिखाने का तरीका क्या है और आपको सिखाया कैसे जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मोबाइल फोन के ऊपर। हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, या ओप्पो का मोबाइल फोन है, वीवो का फोन है, सैमसंग का फोन है, कोई भी मोबाइल फोन आता है, सभी मोबाइल फोन के अंदर जो अंदर का जो हार्डवेयर मटेरियल होता है, ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, सब सेम होते हैं। ऐसा कोई मोबाइल फोन है जिस मोबाइल फोन में से हार्डवेयर पार्ट्स ना हो। अब सबसे पहली बात क्या है, मैं आपको मोबाइल बेसिक में सबसे पहली बात हार्डवेयर पार्ट से ही आपको अवगत कराता हूं कि हमारे मोबाइल फोन में हार्डवेयर पार्ट्स क्या क्या चीजें हैं और हार्डवेयर पार्ट्स को हम लोग कैसे पहचानते हैं, कौन से हार्डवेयर पार्ट्स को क्या क्या बोला जाता है और हमारे मोबाइल फोन में एंड्रॉयड मोबाइल फोन में चलाने के लिए, स्मार्टफोन के लिए, अगर आपको स्मार्टफोन की रिपेयरिंग आ गई तो बेसिक फोन तो आपको बड़ा इजीली चेक करना आ जाएगा। या बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग पहले के जमाने के ट्रेनिंग लिए हुए बैठे हैं, पहले सीखे हुए बैठे हैं, उनको सिर्फ बेसिक कीपैड मोबाइल फोन ही चलाना आता है कि बटने वाले मोबाइल फोन के बारे में ही जानकारी है, तो अगर वो इन वीडियो के माध्यम से उनको एंड्रॉयड फोन के बारे में नॉलेज हो जाएगा और एंड्रॉयड मोबाइल फोन को काफी हद तक वो चेक कर पाएंगे, काफी हद तक मोबाइल फोन को रिपेयर भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं ऊपर में टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो को पूरा आखिर तक देखें ताकि जो चीज हम आपको समझाना चाहते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छी तरीके से मोबाइल फोन रिपेयरिंग के एक बेहतर टेक्नीशियन बन सके। अब चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो के ऊपर और हम लोग सीखते हैं कि हमारे स्मार्टफोन को चलाने के लिए स्मार्टफोन में कितने तरह के पार्ट्स लगे होते हैं जो हमारे स्मार्टफोन को पूरा ऑपरेट करते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा मोबाइल फोन होता है उस मोबाइल फोन को, अच्छा ये जितने सारे पार्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, सारे पार्ट्स को हम लोग अभी एक मोबाइल फोन लेंगे, उस मोबाइल फोन में जितने सारे पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स को खोलेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स को पहचानेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको चेक करना भी सीखेंगे कि कैसे उसको चेक किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात करते हैं कि स्मार्टफोन में कितने तरह के पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स को क्या टेक्निकल तरीके से बोला जाता है, इस चीज को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इन चीजों के साथ साथ आपको मोबाइल फोन का असेंबलिंग डिसेंबलिंग का भी ज्ञान होगा कि आप मोबाइल फोन को खोलेंगे कैसे और मोबाइल फोन को बंद कैसे करेंगे। जैसे आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन को चलाने के लिए सबसे पहले जो ऊपर लगा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्ले टच, इसको हम लोग कॉम्बो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काम्बो कहते हैं। जो आपके मोबाइल फोन के अंदर स्क्रीन के ऊपर जो फ्रंट स्क्रीन पर ये लगी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्ले टच जो ऊपर लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काम्बो भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। उसके बाद जो पीछे का हिस्सा होता है उसको हम लोग बैक पैनल बोलते हैं। बैक पैनल का मतलब जैसे ही हमारा मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन के अंदर जो पीछे का हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक पैनल बोलते हैं। अच्छा, जो बैक पैनल होता है ये दो तीन तरीके से आता है, या तो पूरा एक साथ आता है, या तो खाली बैक के लिए ग्लास आता है, या तो मोबाइल फोन में बैक पैनल ऊपर साथ पूरा कवर होता है तो हमारा जो काम्बो होता है ऊपर से भी निकलता है, ऐसा भी होता है। जिसमें काम्बो लगा होता है उसको हम लोग हड्डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी कहते हैं। हड्डी का मतलब होता है ये जो बीच का जो बेस होता है इसको मिडिल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मिडिल। मिडिल का मतलब होता है जो हमारा बीच का बेस होता है, इस बेस में आपके मदरबोर्ड की जितनी सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें फिट होती हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर ये तुम्हारा मिडिल टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, और लोग जब काम्बो चेंज करते हैं तो काम्बो चेंज करते समय मिडिल को ग्लू से ऐसे ही चिपका देते हैं। इसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि मोबाइल फोन को अगर उस लिया और उस मोबाइल फोन को तुमने पॉकेट में रख लिया तो मोबाइल फोन में हल्का सा जैसे डिसबैलेंस होता है तो फटाक से मोबाइल फोन में काम्बो टूट जाता है।
क्योंकि जो मिडिल होती है इसी मिडिल को दोस्त बहुत मजबूत बनाया जाता है। अगर मोबाइल फोन का कोई सबसे मजबूत एरिया होता है तो यही मजबूत एरिया होता है, इसको बैकबोन भी कहते हैं मोबाइल फोन की रीढ़ की हड्डी, जिसी में पूरा मोबाइल फोन हमारा फिट होता है। चौथी चीज, जब आप मोबाइल फोन को खोलते हैं तो उसमें से यूआई निकलता है, यूआई को हम लोग यूजर इंटरफेस कहते हैं, जिसमें से आपका चार्जिंग स्पीकर नीचे का सारा सब कुछ कनेक्ट होता है, एंटीना वायर निकलता है, एंटीना वायर क्या, जो नीचे वाले यूआई को ऊपर वाले यूआई तक कनेक्ट करता है उसको हम लोग एंटीना वायर बोलते हैं, एंटीना वायर निकलता है। हमारे मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच के लिए पत्ता निकलता है, ऑन ऑफ स्विच का पत्ता निकलता है, जो मोबाइल फोन का चालू बंद करने का काम करता है ये पत्ता खराब हो जाता है तो इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं। मोबाइल फोन में आपके कैमरे निकलते हैं जो जैक टाइप में लगे होते हैं, जो अलग से इजीली अलग हो जाते हैं। आपके मोबाइल फोन में से सेंसर लगा होता है, फिंगरप्रिंट लगा होता है, ईयर स्पीकर लगा होता है, रिंगर लगा होता है, वाइब्रेटर लगा होता है। ये इतने सारे पार्ट्स जो होते हैं जो हमारे मोबाइल फोन में लगे होते हैं, जिनको हम लोग बड़ा इजीली तरीके से खोल खोल कर सब चीजों को अलग कर देते हैं। और हमारे मोबाइल फोन में सबसे मेन चीज लगी होती है, जिसको हम लोग दोस्त जो रिपेयर करने वाले सीखने वाले हैं, जिसकी टेस्टिंग सीखने वाले हैं, वो है हमारे मोबाइल फोन का पीसीबी बोर्ड। इसको हम लोग पीसीबी कहते हैं, मदरबोर्ड भी कहते हैं, इसको सप्लाई कार्ड भी कहते हैं, प्लेट भी कहते हैं, कुछ भी आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, कुछ भी आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। जैसे डिस्प्ले टच पूरा काम्बो है, ये आपका पूरा बैक पैनल है, हड्डी है, मिडिल है, यूआई है, एंटीना है, और आपका एंटीना वायर लगा होता है जो नीचे से लेकर ऊपर तक जाके कनेक्टिविटी बनाता है, और आपके मोबाइल फोन में ऑन ऑफ स्विच लगा होता है, कैमरा लगा होता है, सेंसर लगा होता है, फिंगरप्रिंट लगा होता है, ईयर स्पीकर लगा होता है, रिंगर लगा होता है, वाइब्रेटर लगा होता है, और आपका एक चीज लगी होती है बैटरी। जो इन सभी चीजों को संचालित करती है, पूरे मोबाइल फोन को चलाती है, पूरे मोबाइल फोन को ऑपरेट करती है, वो हमारा बैटरी लगी होती है। तो इतने सारे जो पार्ट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स से मिल करके हम लोग मोबाइल फोन हमारा बनता है, और इसी मोबाइल फोन की रिपेयरिंग करी जाती है दोस्त, इसी मोबाइल फोन को हम लोग ठीक करना सीखेंगे। इस बेसिक के क्लास में मैं इन्हीं सब चीजों के ऊपर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर गया हूं, ताकि इन सब चीजों को मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, और फिर मैं लास्ट में आपको मदरबोर्ड को चेक करने का तरीका भी आपको बता सकूं कि मदरबोर्ड को कैसे चेक किया जाता है, मदरबोर्ड को चेक करने का तरीका क्या होता है, इसके ऊपर मैं वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत सारा नए बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से आप सीखें, आपको बहुत मदद मिलेगा, इतना आपको सीखने को मिलेगा कि आपको खुद कहेंगे कि सर जी जो 15 वीडियो मैंने आपने दिया हुआ है इनसे मुझे बहुत हेल्पफुल मिला हुआ है। और अगर हेल्प मिलता है तो दोस्त आप नीचे कमेंट में मैसेज जरूर करें, और अगर हमारी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसके वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखें, और इससे आगे पीछे की भी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप उन वीडियो को भी देखें। और अगर इसी तरीके से अगर आप क्लास में बैठ करके पूरा कंप्लीट काम सीखना चाहते हैं, पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो दोस्त फिर आप अपने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर तुम्हारा कानपुर पड़ता है, कानपुर जो सागर मार्केट है हमारी जगह पड़ती है, जो मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग दोस्त सीखने के लिए आएंगे और सीख करके अच्छी तरीके से जाएंगे। अब देखिए जितने सारे पार्ट्स मैंने आपको बताए हुए हैं, जो मैंने पार्ट समझाए हैं, अब इन्हीं पार्ट्स को मैं एक बार ओपन करता हूँ, खोलता हूँ, और एक एक करके सारी चीजें जो है वो आपके सामने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ताकि इन सारी चीजों को आप समझ सकें और वीडियो के माध्यम से देख करके सीख सकें। आप मुझे सर वहां देखिएगा नीचे मेरी मैट पड़ी है, वो मैट ले आइए जरा, हम बैठते हैं, रेड कलर की मैट पड़ी होगी उसे आप ले आइए। मैं आपको सारे बच्चों को एक मोबाइल फोन रखा हुआ है मेरे पास, ये पूरा चालू मोबाइल फोन है,
इस मोबाइल फोन में आज कॉम्बो चेंज किया गया है, लेकिन आज मैं फिर भी मैं आपको इस मोबाइल फोन को खोलता हूँ। मोबाइल फोन खोलने के बाद मोबाइल फोन के अंदर जितने सारे पार्ट्स हैं, सब चीजों के बारे में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, सब चीजों के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आप वीडियो के माध्यम से सीख सकें और अच्छे एक काबिल बहुत अच्छे टेक्नीशियन बन सकें। ठीक है, हम लोग चलते हैं। इस मोबाइल फोन को कैसे खोलेंगे? इस मोबाइल फोन को खोलने के लिए पहले हम लोग पीछे का रबड़ को हटा लेंगे, फिर हमारा पीछे से ये जो लगा हुआ है ये पूरा चिपका होता है, इसको हॉट गन से आप गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद ये पूरा खुल जाएगा। जब आपको खुल जाएगा तो फिर आप ब्लेड से, ओपनर से, किसी चीज के माध्यम से आप इसको हल्का 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 करके चारों तरफ से आप ढीला करेंगे। जब आप चारों तरफ से ढीला करेंगे, ये ओपनर का इस्तेमाल करेंगे और ये पीछे से आपका जो चिपका होता है ये इजीली खुल जाएगा। लेकिन दोस्त ध्यान देंगे, ये जो फिंगरप्रिंट लगा है, ये फिंगरप्रिंट आपके मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं कसा होता है, तो इस फिंगरप्रिंट को हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। ये फिंगरप्रिंट खराब हो जाता है तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा जो पीछे का लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक। आपके मोबाइल फोन में ये जो आपकी लगी है इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बैटरी। बैटरी को आप क्या करेंगे, इससे आप इसको आसानी के साथ में गर्म करके बैटरी को मोबाइल फोन से रिमूव कर देंगे। ये बैटरी तुम्हारी निकल करके बाहर आ जाएगी। बैटरी निकलने के बाद ये जो तुम्हारा पत्ता दिया होता है ये तुम्हारा कॉम्बो का पत्ता है, ये जो नीचे दिया हुआ है ये तुम्हारा यूआई का पत्ता है, ये तुम्हारा जो साइड में दिया होता है ये तुम्हारा दोस्त ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम का पत्ता दिया हुआ है। ये आपके मोबाइल फोन में कैमरे लगे होते हैं। आप मोबाइल फोन के पूरे मदरबोर्ड को सिम ट्रे वगैरह निकालने के बाद आप मदरबोर्ड को इजीली तरीके से साइड से क्या करेंगे, ओपन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे धीरे। आप इस मदरबोर्ड को जब करेंगे, ये मदरबोर्ड का बीच का मिडिल निकलता है, बैक साइड निकलता है, जिसमें से क्रोम इसको भी बोलते हैं हम लोग, कि जहां पर हमारा ये पीछे का बैक कसा होता है, साइड में से ग्रिल पूरी फंसी होती है। अगर आप देखेंगे तो ये दोस्त आपका ऑन ऑफ स्विच का पत्ता लगा हुआ है। अगर ऑन ऑफ स्विच का पत्ता खराब हो जाए तो आप इसको चेंज कर देते हैं। ये आपके मोबाइल फोन में कैमरे लगे हैं, फ्रंट बैक ये सारे कैमरे हैं जो आपके मोबाइल फोन को ऑपरेट करते हैं। ये आपके मोबाइल फोन स्क्रू ड्राइवर से हम लोग मोबाइल फोन को क्या करेंगे, मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। ये मोबाइल फोन के अंदर जो आपका मेन चीज लगी होती है वो आपका ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड को आप निकाल करके बाहर रख देंगे। ये आपके मोबाइल फोन में स्पीकर लगा है जिससे आपसे कॉलिंग में बात होती है, आवाज सुनाई देता है। ये नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका पूरा रिंगर का नीचे डब्बा ना, लेकिन हमारा एक स्क्रू कसा हुआ है, हम लोग इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये हमारा यूआई पत्ता होता है, इसे आप ऐसे ओपन करेंगे, ये आपका बाहर निकल जाएगा। ये आपका ब्लैक कलर का जो तार होता है इसको हम लोग एंटीना वायर बोलते हैं। ये आपका जो नीचे लगा होता है इसको हम लोग यूआई बोलते हैं। ये आपका काम्बो इसमें चिपका हुआ है। अगर आप इसको मोबाइल फोन को गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद ये काम्बो भी तुम्हारा निकल करके बाहर आ जाएगा। देखिए, आप इसको गर्म करने के बाद इस मोबाइल फोन में काम्बो को भी आप आराम से बाहर निकाल सकते हैं। ये आपका पूरा काम्बो निकाल करके बाहर आ जाएगा। ये हमारा जो चिपका हुआ ये सारी चीजें निकाल करके बाहर आ जाती हैं। अब देखो, ये हमारा जो बीच का हिस्सा निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल। यही हमारा हड्डी होती है। ये हमारा यहाँ से जब कभी भी आप काम्बो चेंज करेंगे तो काम्बो चेंज करते समय कभी यहाँ से चटका टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, पूरा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसी के सहारे हमारा मोबाइल फोन पूरा टिका होता है। अगर आपने मोबाइल फोन को जेब में रखा, जेब में रखने के बाद जैसे ये क्या होता है, दब जाएगा, तो दबने से क्या होगा, काम्बो टूट जाएगा। ये हमारा जो ग्लास होता है, ग्लास का जितना भी सारा जो लोड होता है, इस लोड को कौन सपोर्ट करता है, ये हड्डी।
ये हड्डी क्या काम करती है, जो जितना भी सारा तुम्हारा जो लोड होता है इस लोड को क्या काम करती है, सपोर्ट करती है। अगर इसमें 19-20 दबाव पड़ेगा कहीं तो क्या हो जाएगा, ये कांबो टूट जाएगा। लेकिन जो बीच का जो मिडिल होता है यही इसको क्या काम करता है, सपोर्ट देता है। मैं एक एक करके सारी चीजें बिल्कुल आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें, आप छोटे छोटे बेस की जो प्रॉब्लम आती है उनको अच्छे से समझ सकें। तो ये आपका क्या लगा होता है, ये स्पीकर लगा होता है, ये पूरा आपका क्रोम हड्डी लगी होती है, ये आपका ऑन ऑफ स्विच का पत्ता लगा होता है। अगर आप ऑन ऑफ स्विच का पत्ता चेंज करना चाहते हैं तो इस पत्ते को यहाँ से अलग करेंगे, इसको गर्म करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा करेंगे तो ये चिमटे से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल आएगा। ये देखिए, ये आपका जो पत्ता होता है पूरा रिबन की तरह लगा होता है, ये बाजार में खराब हो जाता है तो ये पूरा पत्ता अलग से आ जाता है। देखिए, ये आप ला करके दूसरा डाल सकते हैं। ये मोबाइल फोन में 30-40 रुपए का पत्ता आता है, ये कोई पत्ता बहुत महंगा नहीं आता, 30-40 रुपए का पत्ता आता है। पीछे का ये जो फिंगरप्रिंट आता है 150-200 रुपए का आता है, ये पीछे का बैक 100 रुपए का आता है, ये मिडिल खराब हो जाती है तो ये भी 100 रुपए, ये भी मिडिल आपकी 100 रुपए की आती है, ये पत्ता भी 100 रुपए का आता है, एंटीना आपका 30-40 रुपए का आता है, ये UI 100-150 रुपए का आता है, ये स्पीकरिंग खराब हो जाता है तो ये भी तुम्हारा 100-150 रुपए का आता है, ये बैटरी खराब हो जाती है 400-500 रुपए की आती है, कैमरा 300-400 रुपए के आते हैं, और ये जो मिडिल खराब हो जाती है तो ये भी तुम्हारी मार्केट में मिल जाती है, और ये भी 150-200 रुपए, 100-150 रुपए, 200 रुपए की आती है। मोबाइल फोन में कोई ना मिलने वाला आइटम है तो ये मदरबोर्ड, इसी मदरबोर्ड की रिपेयरिंग होती है, इसी प्लेट की रिपेयरिंग होती है। इसी प्लेट को रिपेयर करने का तरीका हम लोग दोस्त मोबाइल फोन में सीखने वाले हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर जो ब्लैक कलर की काली काली लगी होती है इनको हम दोस्त IC बोलते हैं। इस प्लेट के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। जो ब्लैक कलर लगे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, IC बोलेंगे। IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो छोटे छोटे लगे होते हैं इनको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। जो प्लास्टिक के लगे होते हैं इनको हम लोग जैक बोलते हैं, स्लॉट बोलते हैं। ये आपका फ्रंट कैमरा लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी मोबाइल फोन को पूरा फिर से इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमने कांबो को लगा करके ग्लू से अच्छे से चिपका देना है। उसके बाद आपको ऑन ऑफ स्विच का पत्ता लेना है। ऑन ऑफ स्विच का पत्ता जैसे आपने था उसी तरीके से आपको रख करके सेट करके चिपका देना है। ये आपको ऑन ऑफ स्विच का पत्ता आपके मोबाइल फोन में चिपक जाएगा। उसके बाद आप सब मोबाइल फोन में से UI को लगेंगे। हम लोग पूरे मोबाइल फोन के अंदर एक एक करके इंस्टॉल कर रहे हैं। आप इंस्टॉल करने के बाद ये हमारा UI का पत्ता होता है, इसमें अच्छा लिखा होता है, एक तरफ लिखा होता है मेन, एक तरफ लिखा होता है सब। जिस तरफ मेन लिखा होता है वो मदरबोर्ड की तरफ होता है, जिस तरफ सब लिखा है, जैसे लिखा सब, तो ये हमारा किस तरफ होता है, ये UI की तरफ होता है। आप ऐसे लगाने के बाद आप एंटीना वायर लेंगे, एंटीना वायर को इसमें से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लगा दिया। इसको लगाने के बाद ये हमारे रिंगर की डब्बी होती है, रिंगर की डब्बी को लगा देंगे। लगाने के बाद आप जो इसका स्क्रू लगा हुआ था स्क्रू को टाइट कर देंगे ताकि रिंगर अच्छी तरीके से अपने जगह पे फिट हो जाएगा। अब उसके बाद आप मोबाइल फोन में से मदरबोर्ड को इंस्टॉल करेंगे। ये आपका फ्रंट कैमरा होता है जो अलग हो जाता है, इसको हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद इस फ्रंट कैमरे को हम लोग मोबाइल फोन में से पूरा इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मदरबोर्ड को लगा दिया। मदरबोर्ड को लगाने के बाद फिर हम लोग UI पत्ता लगाएंगे, कांबो पत्ता लगाएंगे। उसके बाद हमारा नीचे का पूरा फिट हो जाएगा। बैटरी को इंस्टॉल करेंगे। बैटरी इंस्टॉल करने के बाद हमने बैटरी इंस्टॉल कर दिया, कैमरा लगाएंगे। जितने भी सारी मोबाइल फोन के सारी चीजें होती हैं, जो भी सारी एक्सेसरीज होती है, सबको वन बाय करके स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजों को क्या करेंगे, मोबाइल फोन में फिट कर देंगे। जब इसमें फिट कर देंगे, फिट करने के बाद आपका ये पत्ता पूरा लग जाएगा। उसके बाद आप ऊपर का जो नीचे का ये है इसको आप इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर हमारा स्पीकर रिंगर के लिए पीछे का मिडिल लगी होती है। आप इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, फिट करेंगे।
फिट करने के बाद ये जो बोर्ड को स्क्रू कसता है इसको हम लोग लगा देंगे। उसके बाद ये जो फिंगरप्रिंट का पत्ता होता है, ये फिंगरप्रिंट का पत्ता जो हमारा लॉक दिया है इसमें से हम लोग फिंगरप्रिंट का पत्ता लगा देंगे। फिंगरप्रिंट का पत्ता लगाने के बाद मोबाइल फोन को ग्लू से इसको क्या करेंगे, चिपका देंगे। फिर हमारा मोबाइल फोन पूरा पैक हो जाता है। अब देखिए जितने भी सारी चीजों को मैंने बताया एक बार मैं आपको बताता हूँ, मोबाइल फोन का जो एक्चुअल में जो वैल्यू होता है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा जो मोबाइल फोन में जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो हमारा किसका होता है, मदरबोर्ड का होता है। किसका होता है दोस्त? मदरबोर्ड का है। अगर आप डिस्प्ले टच की बात करते हैं, कॉम्बो की बात करते हैं, जैसे मैं इसी मोबाइल फोन की बात करता हूँ, ये मोबाइल फोन जो है वो हमारा 9000 रुपए का मोबाइल फोन है। अब 9000 के मोबाइल फोन में से अगर आप डिस्प्ले कॉम्बो की बात करते हैं तो डिस्प्ले कॉम्बो आपको जो इसका मिलेगा जाकर के 550 रुपए का मिल जाएगा। बैक पैनल जो आपको मिल जाएगा, पीछे का जो बैक पैनल मिल जाएगा 150 रुपए मिल जाएगा। इसकी अगर हड्डी की बात करें तो हड्डी आपको 150 रुपए की मिल जाएगी। यूआई 100 रुपए की मिल जाएगी। एंटीना ज्यादा से ज्यादा आपको 50 रुपए मिल जाएगा, 10-20-30 रुपए मिल जाता है। ऑनर स्विच का पत्ता जो है वो 50 रुपए मिल जाएगा। कैमरा आपको, दोनों कैमरे आएंगे पीछे के, आपको 500 रुपए में कैमरे मिल जाएंगे। सेंसर जो है वो मार्केट में आता ही नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसर होता है ये भी 150 रुपए का मिल जाएगा। स्पीकर, ईयर स्पीकर, रिंगर, ये दोनों हमको 50 रुपए का ये मिल जाएगा, 100 रुपए का समथिंग ये मिल जाएगा। वाइब्रेटर 50 रुपए का वाइब्रेटर मिल जाएगा। अगर इन सारी चीजों को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने का मतलब 500, 600, 700, 800, 9, 10, 10, 5, 15, 16, 17, 18, 19, अगर इन सब चीजों को काउंट करते तो थोड़ा राउंड फिगर में 2000 से लेकर 2500 तक के बीच में सारा सामान है। लेकिन मोबाइल फोन में जो 5 से 6 हजार रुपए जो कीमत है वो 5000 से 6000 कीमत किसका है? प्लेट का कीमत है, मदरबोर्ड का कीमत है। इसलिए मोबाइल फोन के अंदर जो मेन चीज होती है वो मदरबोर्ड होता है। तो हम लोग इसी मदरबोर्ड को रिपेयर करते हैं, बाकी सारी चीजें जो है वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, इसमें से ये मेरा आपको बताने का ये भी मतलब है कि आप जितने भी सारे लोग हैं जो 80 से 90% जो रिपेयर करने वाले लोग हैं वो मोबाइल फोन में कॉम्बो डाल देते हैं, बैक पैनल डाल देते हैं, हड्डी डाल देते हैं, यूआई चेंज कर देते हैं, एंटीना वायर चेंज कर देते हैं, ऑन स्विच पत्ता चेंज कर देते हैं, कैमरा चेंज कर देते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर, कैमरा, ईयर स्पीकर, माइक, वाइब्रेटर, इन सब चीजों को चेंज कर देते हैं। लेकिन जहां पर दोस्त बात आती है मदरबोर्ड रिपेयरिंग की, तो वहां पर मदरबोर्ड रिपेयरिंग में उनका हाथ क्या होता है, तंग हो जाता है। उनको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है कि मल्टीमीटर से कैसे मोबाइल फोन को चेक किया जाएगा। यही सब चीजों की जानकारी के लिए ये मैं आपको मोबाइल फोन बेसिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप मोबाइल फोन को चेक करना बिल्कुल इजीली तरीके से सीख सके। अब दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा कि मोबाइल फोन में से आप पीसीबी को कैसे चेक करेंगे, प्लेट को कैसे चेक करेंगे, मदरबोर्ड को कैसे चेक करेंगे, उसके टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो दूंगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप काफी कुछ सीख सकें और अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो दोस्त मेरा नाम राघवेंद्र और हम लोग आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग का काम आपको सिखाते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये कानपुर में पड़ता है। कानपुर जो रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन के 500-600 मीटर पास में है, एक सागर मार्केट पड़ती है। यहाँ पर बहुत सारे दूर दूर के लोग मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए आते हैं, लेकिन मोबाइल फोन जब उनके यहाँ पर आस पास दूर दराज मोबाइल फोन नहीं बनते तो लोग कहते हैं जाओ भाई सागर मार्केट चले जाओ, वहां पर मोबाइल फोन बन जाएगा। तो यहाँ पर झोला भर भर के लोग मोबाइल फोन लाते हैं, यहाँ पर मोबाइल फोन बनवाते हैं, हमारे बच्चे लोग मोबाइल फोन बनाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है और आप भी सीखने के लिए आएंगे तो आपको भी इसी तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। तो दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो पर और नई चीज के बारे में सीखते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।